आप देख रहे हैं 24 न्यूज और मैं हूं जन्नत जमशेद। मैं हूं जिशान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले अहम खबर आपको दें कि एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर गौरी बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे। अहम खबर आपको दे रहे हैं की एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के बाद नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। बाबर गौरी बैरून मुल्क से कराची पहुंचे थे और उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार करने के बाद उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल भी कर दिया गया है, जबकि बाबर गौरी बैरून मुल्क थे और वो पहुंचे और पहुंचने पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट के करीब से गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि उन पर करप्शन के इल्जाम है और इन्हीं इल्जाम की बिना पर उन्हें गिरफ्तार किया गया। समर बास हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद जान लेते हैं। समर बताएगा इस कार्रवाई के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, देखें एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी ये जैसे ही EK602 से कराची एयरपोर्ट पहुंचे हैं, एयरपोर्ट से इमिग्रेशन क्लियर कराते ही बाहर इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस हवाले से जराए का कहना है कि एमकेएम के रहनुमा बाबर गौरी पर कई मुकदमात हैं, 2 से ज्यादा मुकदमात पर इन्होंने जमानत भी हासिल कर रखी है, लेकिन इसके अलावा जो है इन पर जो मुकदमात थे उनके लिए इन्हें हिरासत में लिया गया है। बाबर गौरी को नामालूम जो है पुलिस एहलकार हिरासत में लेकर नामालूम मुकाम पर ले गए हैं। पुलिस ने इस बात की तस्दीक की है कि बाबर गौरी को कराची एयरपोर्ट से हिरासत में ले लिया गया है। जी बहुत शुक्रिया समर अब्बास अपडेट करने के लिए। डॉक्टर फारूक सत्तार की एमकेएम पाकिस्तान में वापसी का मामला फाइनल राउंड में दाखिल हो गया है। जराए के मुताबिक डॉक्टर खालिद मकबूल और डॉक्टर फारूक सत्तार की आज एक और अहम मुलाकात होगी। तफसलात लेते हैं हसन अब्बास। जी देखिए बिल्कुल, डॉक्टर फारूक सत्तार और एमकेएम पाकिस्तान के जो सरगरा हैं इस टाइम खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, उनकी मुलाकातों का मामला जो है वो फाइनल राउंड में दाखिल है। फारूक सत्तार साहब जो है वो पूरी उम्मीद दिखाई दे रहे हैं वापस एमकेएम पाकिस्तान में आने के लिए, और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो है वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। अब ये जो मुलाकात का फाइनल राउंड होना है उसमें जो है वो बाकायदा तौर पर हमें बताया जा रहा है कि उसकी आज बैठक होगी, उसमें जो है वो NA 245 के बाय इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी। उसके अलावा जो ORC के रहनुमा हैं उनको किस तरीके से जो है वो तंजीमी मामला के अंदर एडजस्ट करना है वो तमाम तर मामला से गौर किया जाएगा कि कई हद तक जो है वो मामला तय पा दिए गए हैं। उसके अलावा जो कराची और हैदराबाद के जिम्मेदारान को एडजस्ट करना है उस पर भी फॉर्मूला देखा जा रहा है, और साथ ही साथ जो है वो फारूक सत्तार साहब की जानब से मना कर दिया गया है डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को कि वो अगर वापस आएंगे एमकेएम के अंदर तो NA 245 का इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उनकी जगह जो है वो एमकेएम। ठीक है, अहम मुलाकात होने का इम्कान है। हसन अब्बास आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। मरीम नवाज ने इमरान खान को पंजाब का सबसे बड़ा दुश्मन करार दे दिया। लाहौर में जलसे से खिताब में कहा कि दूसरों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा वारदातिया निकला, लोगों को गद्दार कहने वाले की अहलिया की ऑडियो सामने आ गई। इमरान खान ने सियासी मुखालफीन पर साजिश का इल्ज़ाम लगाया, अब डोनाल्ड लू से माफ़ी मांग ली। उन्होंने मजीद कहा कि नवाज शरीफ CPAC लाया, इमरान खान GPAC लाया। इमरान खान का मेगा प्रोजेक्ट गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर था। लोगों को चोर कहने वाला, लोगों को डाकू कहने वाला पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा वारदातिया निकला, वो उस तारीख का सबसे बड़ा बहरूपिया है और वो एक अमरीकी ओहदेदार है डोनाल्ड लू। दिन रात उसको जलसों में नाम ले लेकर बदनाम करता रहा, उसको बुरा भला कहता रहा और कहा कि डोनाल्ड लू ने मुझे धमकी दी है। और यकीन जानो कि अभी 2 दिन पहले अपना एक ओहदेदार अमरीका में डोनाल्ड लू के पास भेजा और उसको कहा हमसे गलती हो गई है, हमें माफ कर दो। नवाज शरीफ को गद्दार कहता रहा, दूसरे जमातों के सरबराहों को गद्दार कहता रहा, मुझे कहता रहा कि इसने सोशल मीडिया और मीडिया सेल के जरिए इसने कैंपेन्स चलाई। अल्लाह ताला का फजल व करम है, आज भी मेरे पर एक चीज साबित नहीं कर सका और अपनी बीवी पीरनी की ऑडियो सामने आ गई जो कह रही है कि कोई भी इल्जाम लगाए सबको कहना कि गद्दारी हो गई, गद्दारी हो गई।
कहती है कि अगर मुझ पर कोई इल्जाम लगाए, फरा गोगी पर कोई इल्जाम लगाए, तो सबका जवाब गद्दारी से देना, कहना गद्दारी हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि नवाज शरीफ ने सी पैक लाया तो इमरान खान ने कुछ नहीं किया। उसने भी एक मेगा प्रोजेक्ट बनाया था जिसका नाम है जी पैक, गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर। सरकारी अराजी पर कब्जे के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया गया है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने बुशरा बीबी के भाई को 6 जुलाई को तलब किया है। अहमद मुश्तबा पर फ्रंटमैन ताहिर जहूर के जरिए सरकारी मार्केट की ज़मीन लीज पर देने और सरकारी ज़मीन पर कब्जा करा के दुकानें भी तामीर करने का इल्ज़ाम है। अहमद मुश्तबा पर सरकारी खजाने को 20 करोड़ रुपये नुकसान पहुँचाने का भी इल्ज़ाम है। वज़ीर-ए-आला पंजाब हमजा शहबाज ने आवाम के लिए बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। महाना 100 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को मुफ्त बिजली देने का ऐलान। मुफ्त बिजली देने के लिए 100 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि ज़रूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। उन्होंने इमरान खान से तोशाखाने और फराह गोगी के अरबों के गबन का जवाब देने का मुतालबा किया। 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फीन को इंशाल्लाह बिजली का बोझ उठाने की फिक्र जो है उससे आज़ाद हो जाना चाहिए। इनको सोलर पावर से इसका मुतबादल फराहम करें, यानी घरों को हम एक टाइम पीरियड में एक मंसूबे के तहत सोलर पैनल्स दें, ताकि आने वाले सालों में हमेशा के लिए जो है उनकी बिजली जो है वो मुफ्त हो। खातून अव्वल जो साबिक हैं, उन्होंने नहीं कहा कि मेरी बेटी फरा गोगी जो है वो उसके ऊपर ये उसके जो अरबों जो गबन के केस हैं वो चलेंगे, हर पर गद्दारी का मुकदमा बना दो, गद्दार कहो सबको। वो रियासत मदीना में घड़ियों की लाइन लग गई, आपने करोड़ों की घड़ियाँ जो दोस्त ममालिक से नहीं, उसको पैसों को आपने अपनी जेब में डाला, आज तक आपने आवाम को जवाब नहीं दिया। 60 करोड़ का जो प्लॉट है वो आपने जो है वो उस पर उसको चंद कोड़े को भाव उस पर कब्जा कर लिया और डिक्लेयर किया एस एन दबीर गुजर ने कि हमारी जो कंपनी है वो 2 अरब की है, और उस कंपनी के जो CEO हैं वो आपकी जो मिसेज हैं फरा गोगी हैं, आपकी जो मदर लॉ है उसकी अपना जो है उनका नाम है। लंदन में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज साबिक वफाकी वजीर जाहिद हामिद और सदर मुस्लिम लीग बरतानिया जुबैर गिल ने मुलाकात की है। मुल्की सियासी सूरत हाल समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। मजीद जान लेते हैं, वसीम अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। वसीम अपडेट कीजिएगा। मुस्लिम लीग नून और साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से आज साबिक वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के सदर जुबैर गुल समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं और कारकुनों ने मुलाकात की थी। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग बरतानिया के सदर जुबैर गुल साहब। जुबैर साहब, बताइएगा, आज आपकी मुलाकात हुई, साबिक वफाकी वज़ीर भी आज मियाँ साहब से मिले थे, क्या किन इश्यूज़ पर डिस्कस किया गया? सबसे पहले तो मैं बताऊं कि जो पाकिस्तान में जो महंगाई का जो तूफ़ान है ये हमारा किया नहीं, ये जो पिछली हुकूमत है ये उनका किया हुआ है, लेकिन वो मुल्क को तबाही की तरफ लेके जा रहे थे, जिसको बचाने के लिए उनको एक आइनी और कानूनी तरीके से हटाया गया, और उनकी ये इस वक्त मुल्क की बका इसी में थी कि इस मुल्क को सहारा देने के लिए हमने उनका गंद अपने पे लेके तो चैलेंज को कबूल किया और मेहनत कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला कलूशन है, आपको पता है, इत्तेहादियों को साथ लेके चल रहे हैं, सियासी बहरान कोई नहीं है, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह ताला जल्द उससे निकलेंगे। अवाम इस बात के अवाम को तसल्ली है कि जो हुक्मरान है इस वक्त उनकी डायरेक्शन ठीक है, थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन मुश्किल वक्त से निकलेंगे। मियाँ नवाशी साहब मेरे कायद इसी वजह से इधर से जो भी हदायात करते हैं, पाकिस्तान से कोई भी आता है या पाकिस्तान में, इनकी इंशाल्लाह ताला सुपरविजन में अल्लाह ताला
से हमें बड़ा भरोसा है। हम पूर उम्मीद हैं कि मियां नवाज शरीफ की क्यादत के अंदर मुल्क में जो जारी बहरान है उनको खत्म करके दोबारा से पाकिस्तान को तरक्की की राह पर गामजन। आपका बहुत शुक्रिया। अहम खबर आपको देते हैं, पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का इजलास आज होगा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से आज होने वाले पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती के लिए इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। तफसीलात लेते हैं उस्मान खान से। जी उस्मान। जी बिल्कुल, कौमी असम्बली की पार्लियामानी कमेटी बराए कौमी सलामती का अहम तरीन इजलास आज होगा। इजलास के लिए कौमी असम्बली में इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटरीट की जानिब से कमेटी इजलास से मुतल्लिका शोबाजात के अलावा कल दीगर तमाम शोबाजात बंद हो गए। गैर मुतल्लिका अफराद की पार्लियामेंट हाउस में दाखिले पर भी पाबंदी होगी। कमेटी इजलास इन कैमरा होने की वजह से मीडिया को भी पार्लियामेंट हाउस के अंदर दाखिले की इजाजत नहीं होगी। कल के आज जो इजलास होने जा रहा है, इस इजलास के लिए आला अस्करी हुकाम, तमाम तर सियासी जमातों के सरबराहान और अपोजिशन जमातों को भी मदऊ किया गया है। तमाम तर पार्लियामानी पार्टी के मेम्बरान को भी मदऊ किया गया है। आला अस्करी हुकाम मुल्की सलामती, बैनुल अक्वामी और जो खसूसन खत्ते की जो सूरत हाल है, अफगानिस्तान के मसाइल हैं, इन तमाम तर सूरत हाल पर जो सियासी रहनुमा हैं उनको एतमाद मिलेंगे। तमाम तर बातें होंगी खुलकर और मुल्क की तरक्की के लिए और आइंदा की हिकमत अमली के लिए भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में तफसीली तौर पर ब्रीफिंग होगी। आला अस्करी हुकाम उनको भी मदऊ किया गया है। इजलास में सियासी रहनुमा अस्करी क्यादत से भी मुख्तलिफ सवालात करेंगे। इससे कबल भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास हुए हैं जिसमें सियासी रहनुमाओं ने आला अस्करी हुकाम से तमाम तर सूरत हाल पर खुलकर बात की थी, जिस पर आला अस्करी हुकाम ने भी उनको तफसीली तौर पर जवाब दिए थे और ब्रीफ किया था। जो आज इजलास होगा उसमें भी आला अस्करी हुकाम से जो सियासी रहनुमा है मुल्क के वो सवाल जवाब करेंगे। इजलास दोपहर 3 बजे कौमी असम्बली हाल में होगा और इस इजलास की नज़ारत स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ करेंगे। जी उस्मान खान, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सदर आसिफ अली जरदारी से बलूचिस्तान के वज़ीर आला अब्दुलकुद्दूस बज़नीचो ने बिलावल हाउस कराची में मुलाकात की है। वज़ीर आला पाशी बलूचिस्तान ने आसिफ जरदारी को सूबे में पानी की किल्लत के मसाइल से आगाह किया। साबिक सदर ने बलूचिस्तान में पानी बहरान से मुतालिक तशवीश का इज़हार किया और तआवुन की यकीन दहानी कराई। आसिफ जरदारी ने कहा कि हमेशा बलूचिस्तान के मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया है, बलूचिस्तान के अवाम को किसी सूरत तनहा नहीं छोड़ेंगे। पीपल्स पार्टी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटने के खिलाफ आज यौम स्याह मनाने का ऐलान किया है। पार्टी के सूबाई सदर निसार खोड़ू का कहना है कि सिंध भर के तमाम जिले हेडक्वार्टर्स में मुजाहरे और रैलियां निकालकर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। निसार खोड़ू ने सिंध भर में पार्टी के अहदेदारान, जिम्मेदारान और कारकुनों को हिदायत की है कि 5 जुलाई को पार्टी दफातर पर स्याह परचम लहराएं और बाजों पर स्याह पट्टियाँ बांधकर एहतजाज में शिरकत करें। निसार खोड़ू का कहना है कि 5 जुलाई 1977 को ज़ियाउल हक ने जमहूरी हुकूमत पर शबखून मारा और उस दिन के हर साल यौम स्याह के तौर पर मनाया जाता रहेगा। पीपल्स बस सर्विस की मकबूलियत और शहरियों के पुरजोर मुतालबे पर बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने का फैसला किया गया है। क्लिफ्टन, डिफेंस और गुलशन हदीद रूट्स पर भी बस सर्विस चलाई जाएगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें लाड़काना में भी पीपल्स बस सर्विस के रूट्स बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। लाड़काना में पीपल्स बस सर्विस के 4 रूट्स होंगे जिनका प्लान बनाने के लिए डेप्टी कमिश्नर लाड़काना को टास्क दे दिया गया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकरर और तबादले किए गए हैं। स्पेशल सेक्रेटरी कौमी सेहत डिवीजन इफ्तखार अली शालवानी का तबादला कर दिया गया है। ग्रेड 22 के इफ्तखार अली शालवानी वफाकी सेक्रेटरी बराए हाउसिंग एंड वर्क्स डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। वफाकी ब्यूरोक्रेसी में आला सतह पर तकरर और तबादले किए गए हैं जिनका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी हुआ है। कोयटा से आपको खबर देते हैं कि कोयटा में तूफानी बारिश के बायस शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छोटे सैलाबी रैले हैं। सरयाब रोड के मकाम पर रैले में गाड़ी बह गई, गाड़ी में सवार बच्चों को शहरियों ने बचा लिया। दूसरी तरफ सरयाब रोड लिंक बादीनी के करीब कच्चे मकानों की छतें गिर गईं। मुशीर दाखिला मियाँ जियाउल्लाह के मुताबिक मकान की छत गिरने से 2 खवातीन जान की बाजी हार गईं। उन्होंने कहा मुतासरीन को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुश्किल की इस घड़ी में हुकूमत अपने अवाम के साथ खड़ी है।
कराची में मानसून की पहली बारिश के बाद सूरतेहाल कदरे बेहतर है। कौन कौन से इलाके सबसे ज्यादा मुतासिर हुए हैं, मजीद बारिश होने का इम्कान भी जाहिर किया गया है। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश रिकॉर्ड की गई है और कुछ इलाकों में पानी भी खड़ा हुआ। ताहम कदरे बेहतर सूरतेहाल दिखाई दी है और सबसे ज्यादा बारिश सुजानी टाउन में 23 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। मजीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद कायम खानी बताएगा, बारिश के बाद निकासी आपकी क्या सूरतेहाल है शहर में? बिल्कुल जी, कराची में जो पहला स्पेल ये जो मानसून का, इसमें आज जो है बारिश हुई है मुख्तलिफ मुकामात पर, कहीं पर तेज़ और कहीं जो है वो हल्की बारिश रिपोर्ट की गई। सबसे ज़्यादा बारिश जो है वो सुजानी टाउन में तकरीबन 23.5 मिलीमीटर बारिश, और इससे मुसलसल इलाका जो है गुलशन मेमार, ये तमाम इलाके जो है वो मोटरवे पर यानी कि M9 कराची हैदराबाद जो है उससे मुतसल है, वहाँ पर तेज़ और मूसलाधार बारिश रिकॉर्ड की गई है। उसके बाद जो है मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो पानी की सिचुएशन सड़कों पर आ गई थी, लेकिन कतरे बेहतर है। अब ओवरऑल सिचुएशन KMC इंतजामिया एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तमाम ज़िला इंतजामिया जो है वो ऑन बोर्ड थे, सड़कों पर मौजूद थे, और जैसी बारिश हुई थी उससे पहले से ही जो है मानसून के इंतजाम जो किए गए थे, उस हवाले से बारिश कदर कम हुई, जिसके बाद जो है वो जल्द पानी की निकासी जो है उसको मुमकिन बना लिया गया था। इंतजामिया के मुताबिक अब शहर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर जो है वो इतनी मकदार में पानी मौजूद हो जिससे निकालने के लिए और या शहरियों को उससे गुजरने में परेशानी हो। बारिश जब हुई उस वक्त वो M9 से मुतसल यानी कि सबसे बड़ी एशिया की मवेशी मंडी जो है वो भी मुतासर हुई, वहाँ पर भी जो है वो मूसलाधार बारिश के बाद मुख्तलिफ ब्लॉक्स जो थे मंडी के उसमें पानी जमा हो गया था, और पानी की निकासी के लिए अब भी काम जारी है। मुख्तलिफ मुकामात से जो है पानी का निकासी कर दी गई है, जबकि इंतजामिया जो है वो मंडी की मवेशी, उनका यह कहना है कि कुछ देर में जो है तमाम रास्तों को मुकम्मल तौर पर जो है वो पानी की निकासी के बाद जो है वो प्रॉपर कर दिया जाएगा, ताकि शहरी जो है वो अपनी खरीदो फरोख के लिए जो है वो यहाँ पर मंडी में आम तरीके से आ सकें, ताकि किसी किस्म की परेशानी ना हो। और शहर की बात करें तो ये वो इलाके जो है M9 से मुतसल हैं, और यहाँ पर तेज़ बारिश हुई थी गुलशन मेमार के अंदर भी 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, और इसके साथ साथ नॉर्थ कराची के अंदर और नॉर्थ नाजमाबाद में बारिश रिकॉर्ड की गई जो 9 मिलीमीटर थी। वो इलाके हैं जहाँ पर बाज़ात कुछ मिनटों की बारिश के बाद भी जो है वो अब तक सूरत हाल होती है, लेकिन कबल अज वक्त जो है इंतजाम किए गए थे, जिसके बायस जो है वो नॉर्थ नाजमाबाद और नॉर्थ कराची के अंदर जो है मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हो रही थी। उस वक्त तो पानी मौजूद था, लेकिन उसके बाद जो है वो अब सिचुएशन जो है वो कदरे बेहतर है। शहर के किसी मुकाम पर जो है वो पानी खड़ा हुआ मौजूद नहीं है, जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि ये स्पेल जो है वो 6 जून तक जारी रहेगा, और मुख्तलिफ मुकामात पर मुख्तलिफ औकात के अंदर इसी तरह 2 रोज़ के अंदर अगले कहीं पर हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की जाएगी। लेकिन ये आज जो बारिश हुई है इससे इसके बरक्स जो 6 तारीख के लिए पेश गोई की है महकमे मौसमियात। बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। जमात इस्लामी ने कराची में 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए हैं। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि शहर कायद के बासियों को तनहा नहीं छोड़ेंगे, हुकूमत भी अपने तमाम इदारों को हाई अलर्ट रखे। जुनेद फिरोज रिपोर्ट कर रहे हैं। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि शहर में आवाम की खिदमत के लिए 11 रेन एमरजेंसी सेंटर कायम कर दिए हैं। रजाकारों को अलर्ट कर दिया गया है, आवाम को महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए बसें चलाने का भी ऐलान किया गया है। जमात इस्लामी ने अपने तमाम रजाकारों को कहा है, और मैं अपील भी करता हूँ शहरियों से भी, नौजवानों से भी, कि जो भी इसमें अपने आप को वॉलंटियर करना चाहें जमात इस्लामी और अलखिदमत के साथ, तो खुदा ना खास्ता अगर कहीं पर कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है, तो हमने 11 सेंटर्स शहर में रखे हैं रेन एमरजेंसी सेंटर्स, जिसमें जो बुनियादी चीज़ें हो सकती हैं लोगों को रेस्क्यू करने की, वो हमने जो है वो वहाँ पर मुतय्यन की हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची ने सिंध हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इदारों में सियासी भर्तियों के बजाय मकामी अफराद को भर्ती किया जाए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची अमली काम करें, सोशल मीडिया पर झंडे लगाकर आवाम को बेवकूफ़ ना बनाएं। एक तरफ तो हुकूमत सिंध गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से सियासी एडमिनिस्ट्रेटर को कराची पर मुसल्लत रखे हुए, और उस सियासी एडमिनिस्ट्रेटर का काम सिर्फ फीते काटना और झंडे लगाकर पार्टी के कुछ जगहों पर नुमाइशी कारपेटिंग कर देना है, और जो बुनियादी मसले हैं उसके लिए हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि चंद नालों के अलावा कहीं सफाई नहीं हुई, लोग अपनी मदद आपके तहत काम कर रहे हैं।